हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मिर्जापुरी यूट्यूबर। आप देख पाएंगे हम आज आ चुके हैं मंगलेश्वरम महादेव मंदिर के पास, जो कि सोनभद्र में स्थित है। वाह यार, बहुत ही अमेजिंग व्यू। वाह यार, जस्ट अमेजिंग, बहुत ही काल्पनिक जगह दिखाई दे रही है। इसकी खूबसूरती बहुत ही कमाल की है, क्या कहें भाई साहब, बहुत ही एडवेंचरस प्लेस है ये। इतने ऊपर आए हम लोग, वो भी इस पहाड़ी वाले रास्ते से। पूरे सोनभद्र का एरिया दिखाई दे रहा है। देखिए, आ चुके हैं मंगलेश्वर महादेव मंदिर के पास। देखिए कितना भीड़ है यहाँ पर। यहाँ पर लगा हुआ है मंगलेश्वर महादेव का बोर्ड, चल रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं मंदिर में, भोलेनाथ जी का दर्शन करेंगे। उनको जल चढ़ाने के बाद फिर से आएंगे इधर, आपको यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। बहुत ही ऊँचे पहाड़ पर बना हुआ है शिव जी का मंदिर। शिव जी का मंदिर की झांकी देखो। देखिए हम चल रहे हैं अब दर्शन करने, प्रसाद पाएंगे यहाँ लोग है प्रसाद। चले धीरे मंदिर की ओर। ठीक, हमारे सामने है मंदिर। देखिए लोग यहाँ पर इतने दूर आकर क्रमबद्ध तरीके से लाइन में खड़े हुए हैं। हाथ में बोतल लिया है कलर का। दर्शन करके हम मंदिर के बाहर निकले हैं। देखिए इतने ऊपर है हम लोग दर्शन करने के साथ। यहाँ पर यहाँ का व्यू देख पाएंगे, मंदिर के ठीक पीछे है। लक्ष्मण दास हमारे पीछे खड़े हैं। देखिए हम लोग का लंच हो रहा है, इतने पर बैठ कर हम लोग यहाँ पर भोजन का इंजॉय ले रहे हैं। दिल से सुनतिया है दिल की दास्ता, जो लबजों में नहीं। सोन नदी इसका भी बहुत ही शानदार है। अभी इतनी ऊंचाई पर आए हुए हैं हम, और आगे लेके चलते हैं। यहाँ का जो खूबसूरत व्यू है उसका आपको दीदार कराएंगे अभी। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। आप इतना बिहंगा प्लेस है यहाँ का, खड़ी चट्टान निकली हुई है, लोग उस पर बैठ कर सेल्फी ले रहे हैं। देखिए अभी तरह जा रहा है भाई साहब। देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। इस गुफा के जरिए हम लोग 1800 किलोमीटर नीचे जा सकते हैं। ये गुफा बहुत लंबी गुफा मानी जाती है। देखिए इसका खूबसूरत व्यू, पकड़ पकड़ के नीचे लोग उतर रहे हैं। ये
वाह यार, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है भाई साहब। देख पाएंगे खूबसूरत नजारा यहाँ से, बहुत ही शानदार व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ से। यहाँ से आप देख पाएंगे सोनभद्र का पूरा इलाका, बहुत ही नेचुरल ब्यूटी है भाई साहब। यहाँ पर आकर मन प्रसन्न हो गया। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है भाई साहब, देख पाएंगे ऐसा खूबसूरत नजारा आपने साथ पहले कहीं देखा हो। देखिए अभी हम लोग चट्टान के नीचे बैठे हुए हैं और चट्टान के सामने आप देख पाएंगे नजारा है। वाह यार, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही एडवेंचरस प्लेस है ये। बताइए आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा भैया। और लक्ष्मण दास अपना बताइए। अरे मस्त है, मस्त है भैया। बहुत ही शानदार नजारा, ऐसे प्लेस पर आकर मन एकदम प्रसन्न हो गया, दिल एक बाग बाग हो गया। देखिए कैसा खूबसूरत नजारा है भाई साहब। धीरे धीरे हम पर दो चट्टानें निकली हुई हैं, वो भी हवा में निकली हुई है दोनों, जिसपे लोग अक्सर जाकर अपना फोटो शूट करते हैं। सेल्फी पॉइंट है यहाँ का, जो ये यहाँ का व्यू पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है जगह।
देखिए एक बड़ा सा चट्टान जो कि एक छोटे से पत्थर पे अटका हुआ है। ये कभी भी देखिए कैसा है इसका अद्भुत नज़ारा, बहुत ही खतरनाक है ये। फिर भी लोग अक्सर इस पर बैठ कर सेल्फी लेते हैं। देखिए नंदू बैठकर उसका मुआयना कर रहे हैं कैसा है प्लेस। इसका देखिए एक छोटे से पत्थर पे टिका हुआ है इतना इतना बड़ा चट्टान जो कि बहुत ही अद्भुत है भाई साहब। देखिए कितना डेंजर अद्भुत नज़ारा है। देखिए जो इसके नीचे पत्थर है वो भी अब कई कई लेयर में टूट भी चुका है, आप देख पाएंगे। दिखाने के लिए कैसा हम यहाँ का व्यू आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए पूरा पत्थर छोटे से पत्थर के ऊपर टिका हुआ है इतना बड़ा चट्टान, आप सोच नहीं पाएंगे कि एकदम ढलान नुमा पर कैसे टिका हुआ है पूरा पत्थर। चलिए देखिए यहाँ का व्यू पॉइंट देखिए, अभी तक क्या बताएं यहाँ का माहौल ही गजब का है। ऐसा अद्भुत प्लेस पर आकर एकदम मन खुश हो गया भाई साहब, दिल बाग बाग हो गया। खिंचा
मंडी के बाहर ही आपको दो घंटियां लगते चलने, लोग बजा बजा कर जा रहे हैं।